दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने मोबाइल फोन से आप जो है बिना किसी साइबर कैफे और ना ही किसी के बिना मदद लिए आप खुद से अपना नेवी SSR का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपना गूगल ओपन कीजिएगा। उस पे मैं जो ये फॉर्म है ना, ये डायरेक्ट लिंक से भी बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं आज का जो फॉर्म है ये सरकारी रिजल्ट के माध्यम से बताऊंगा, ताकि सरकारी रिजल्ट बहुत फेमस वेबसाइट है और काफ़ी बच्चे यहीं सर्च करते हैं, सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं और उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इस पे वो फॉर्म भरना मतलब सही समझते हैं। तो इस पे जो भी मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसी के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो आपको ये सर्च करने के बाद नेवी SSR पे आके और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक हेयर करना है। अब जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ज्वाइन इंडियन नेवी और आएगा यहाँ पे अग्निवीर SSR, या देखिए अग्निवीर SSR, अग्निवीर MR। तो हम अग्निवीर SSR के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आएगा डोंट हैव ए अकाउंट येट रजिस्टर हेयर, तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इसको स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। जब जैसे ही ऊपर आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, योर ईमेल आईडी, आपको फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है ईमेल आईडी के बाद में। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे पेरेंट यानी कि गार्जियन नेम डालना है, फिर नेशनलिटी डालना है, यहाँ पे आप इंडियन हैं या नेपाली हैं, जो भी हैं वो भी यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कैप्चा पे यहाँ पे फिल कीजिए और रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी खोलना है, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हेलो ऋतिक राज दिखा देगा और यहाँ पे बोलेगा क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर ईमेल, मतलब ये आप ही का ईमेल है, यहाँ पे इसको कन्फर्म कीजिए, कन्फर्मेशन के लिए है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी खोल के इसको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, मतलब आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 अक्षर दिखा देगा और यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। एक बार ध्यान दीजिए, जो कैप्चा है वो थोड़े उलझे उलझे हुए से आ रहे हैं, तो आप लोग देख कर ध्यान से फिल कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश कैप्चा करके फिल कीजिएगा, जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक ऐसा फेस आएगा जिस पे लिखा होगा एन OTP हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। इसको आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद क्या है ना कि यहाँ पे देखिए जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का OTP आया है, उस OTP को यहाँ पे फिल कीजिए। OTP फिल करने के बाद जो आपको पासवर्ड बनाना है वो कम से कम 8 करेक्टर का होना चाहिए, मतलब 8 अक्षर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर का होना चाहिए। इसमें क्या है ना कि आपको एक लेस्ट वन स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, वन कैपिटल लेटर और एक नंबर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, जैसे अगर आपका नाम, मैं उदाहरण के तौर पर डमी के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आपका नाम रमेश है तो आप रमेश में R बड़का लिखिएगा, उसके बाद जो जो लेटर आता है वो जिसे EMSH वो आपको छोटा में लिखना है यानी कि स्मॉल करेक्टर, फिर एट द रेट लगाना है, एट द रेट चाहे ये डॉलर का साइन या परसेंटेज या कुछ भी एक लगाना है और फिर एक नंबर देना है यानी कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ एक देना है। कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर का होना चाहिए और वही पासवर्ड को फिर से यहां लिखेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद यहां पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड एंड पासवर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको इसको ओके करना है। और ओके करने के बाद यहां पे आप इसको स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पे लॉगिन में आपको रजिस्टर ईमेल आईडी, जो अभी ईमेल से आप रजिस्टर किए हैं वो ईमेल और जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो यहां पे डालना है और फिर कैप्चा डालना है और डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना अभी जो मतलब वेबसाइट है इंडियन नेवी अग्निपथ में, इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्लिक हेयर टू फिल डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपका जो स्टेट है ना वो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, बिहार, जो भी आप स्टेट हैं वो स्टेट यहाँ पे आप जिस स्टेट से हम आते हैं निवासी हैं वहीं का सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है,
फिर अपनों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, फिर मिडिल नेम सेलेक्ट करना है, फिर लास्ट नेम सेलेक्ट करना है, फिर गार्जियन का नाम सेलेक्ट करना है। फिर गार्जियन का नाम ये लिखना, ये मतलब वैकल्पिक है, आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जेंडर, मेल और फीमेल दोनों आदमी इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद बात करें तो आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या तिल का निशान है तो यहाँ पे डालिए। फिर एक और आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, फिर डालिए। उसके बाद बात करें तो मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस बात करें तो आप अनमैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो एक बात याद रहे, आप इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो अपलोड फोटोग्राफ्स, आपको यहाँ पर एक अपना 100 KB से कम का फोटोग्राफ अपलोड करना है। फिर यहाँ पर बात करें तो अपलोड सिग्नेचर, आपको एक 50 KB से कम का सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर डोमिसाइल रेसिडेंस प्रूफ, मतलब आपको अपना जो है ना 300 KB से कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप एक बार मिला लीजिएगा, जो भी आप फिल किए हैं सब सही फिल है कि नहीं है। अगर सब आपको सही लगता है तो फिर यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ओके प्रोसीड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड टू फिल कम्युनिकेशन डिटेल्स, अब यहाँ पे पूछेगा आपसे। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, पहले एड्रेस लाइन 2-1 में, फिर एड्रेस लाइन 2 में, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वहीं सेलेक्ट कीजिएगा, उस स्टेट में जो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा उस स्टेट में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मेरा बिहार में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, तो यहाँ पे मैं पश्चिमी चंपारण फिर पूर्वी चंपारण, यहाँ पे देखिए पूर्वी चंपारण सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है, और पिन कोड लिखने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे क्लिक हेयर टू कॉपी इफ योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब परमानेंट मतलब होता है अस्थायी निवासी, आपका अस्थायी निवासी और पत्राचार का पता अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू कर दीजिए, मतलब इसको टिक कर दीजिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो इसको अलग अलग यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस अपना ही ले लेगा वो जिसमें अभी फिल। तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप फिल कर लीजिएगा, फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर पूछेगा आपसे ओके पे क्लिक कीजिए, आप इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हम अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आप अगर एसएसआर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 12th साइंस करेंगे, और एमआर में करने हैं तो आप यहाँ पे 10th करेंगे, तो हम यहाँ पे 12th साइंस कर लेते हैं। और करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये फिल करना मैंडेटरी है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम में स्टार मार्क नहीं है, ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे इंटर मार्क डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आप 10th किए हैं या 10th एंड 12th अदर देन साइंस से किए हैं, या 10th एंड 12th फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए हैं तो हम इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फिलिंग मार्क डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड फिलिंग मार्क डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आगे जब इसको स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा सबसे पहले आपसे 10th का मार्क्स, फिर यहाँ पे इंटर मतलब 10th मार्क्स डिटेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपसे कि इंग्लिश में आपका कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे आपका जितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो सेलेक्ट कर लीजिएगा कितना नंबर आया था। फिर वो फिर लैंग्वेज में आप, जैसे मतलब मैं बिहार से हूँ तो मुझे हिंदी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, मेरे 10th में हिंदी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज हिंदी में मैं अपना हिंदी का मार्क्स डालूंगा, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आया था। फिर सोशल साइंस में आप कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आया था। फिर साइंस में आपको कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आया था। फिर मैथ में आपको कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना आया था, ये डालना है। फिर अगर बात करें तो जैसे बिहार में क्या है ना कि हिंदी संस्कृत मैथ सोशल साइंस और साइंस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश वैकल्पिक है, आप वो एग्ज़ाम देंगे लेकिन वो उसका पास करें या फेल करें उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बहुत से बच्चे का क्वेश्चन आएगा कि मेरा संस्कृत का नंबर कहाँ डालना है, तो यहाँ पे एक है एनी अदर सब्जेक्ट, तो इसमें आप अपना संस्कृत का नंबर डाल सकते हैं जो बिहार से हैं या जो भी संस्कृत पढ़ाई किए हैं। नहीं किए हैं तो फिर आप पाँच ही सब्जेक्ट सभी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हिंदी मैथ सोशल साइंस और साइंस,
और कहीं कहीं हिंदी हट के पंजाबी मराठी गुजराती ये सब ऐड हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे टोटल नंबर वो दिखा देगा, कितना नंबर का एग्जाम दिए थे, कितना नंबर आया था वो दिखा देगा। फिर आपको यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ टेंथ मार्कशीट के जो मार्कशीट होता है ना उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड कंडक्ट टेंथ एग्जाम, मतलब आपका जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने टेंथ का एग्जाम कंडक्ट कराया था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो आपका स्कूल है वो किस स्टेट में पड़ता है, तो वो मेरा बिहार में पड़ता है तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे स्टेट कंडक्ट ऑफ टेंथ एग्जाम, आपका टेंथ एग्जाम कौन सा स्टेट कंडक्ट आया था, मेरा बिहार कराया था तो हम यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछेगा कि आपका जो स्कूल है उसका नाम क्या है, तो हम अपना स्कूल का नाम लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे 300 KB के कम का आपको टेंथ का मार्कशीट अपलोड करना है, वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। आप टेंथ का पूरा मार्क डिटेल्स फिल कर लेते हैं और PDF फाइल में टेंथ का मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं 300 KB से कम, तो यहाँ पे सबमिट टेंथ मार्क डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट टेंथ मार्क डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना, तो आपका टेंथ का मार्क्स डिटेल्स जो है ना वो फिल हो गया। इसी तरह ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो आपको इंग्लिश का कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, 100 नंबर का इंग्लिश होता है, ये वैकल्पिक है, कहीं इंग्लिश पढ़ाया जाता है कहीं इंग्लिश नहीं भी पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिएगा। तो आपको 100 नंबर में जो भी आपका आया था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर लैंग्वेज, जैसे कई जगह क्या होता है ना, जैसे बिहार में मैं बताऊँ तो आपको इंग्लिश हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ाया जाता है 5 सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है कि बिहार में जो पहले के पास आउट कैंडिडेट हैं उनको 150 नंबर का इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पे 100 नंबर लिख के आप 45 नंबर लिख दीजिएगा और लैंग्वेज में आप 100 नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों ऐड करके जितना नंबर आया था वो लिख दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आपके स्टेट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया था वो अपना लैंग्वेज हो गया। जैसे अगर आपको हिंदी या गुजराती मराठी पढ़ाया गया है, वो मतलब हिंदी की जगह पर अगर गुजराती मराठी पंजाबी पढ़ाया गया तो उसका नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर फिजिक्स सभी स्टेट में पढ़ाई होता है तो फिजिक्स में आपको कितना नंबर आया था वो लिखिएगा। फिर केमिस्ट्री में कितना नंबर आया था वो लिखिएगा, कितना में कितना आया था। फिर मैथ में कितना आया था वो लिखिएगा। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो यहाँ पे बायोलॉजी का जानकारी दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर की जानकारी दीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन है तो दीजिएगा। अगर एनी अदर सब्जेक्ट है जिसका नाम इसमें छूट गया है तो उसका आपको कितना में से कितना नंबर आया था वो लिख दीजिएगा। टोटल वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा और उसमें आपको कितना प्राप्त हुआ है वो खुद आप यहाँ पे ला देगा, परसेंटेज आपका खुद आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12th मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देना है। फिर आपका जो है ना इंस्टीट्यूट किस स्टेट में पड़ता है, बिहार में या जहाँ भी पड़ता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका कौन सा स्टेट जो है एग्जाम कंडक्ट कराया था 12th का, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो आपको अपना स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है वो लिख दीजिएगा। फिर आपका बोर्ड कंडक्ट 12th एग्जाम, आपका 12th का एग्जाम कौन सा बोर्ड कंडक्ट कराया था, तो मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराया था, वहाँ पे चूज कर लूंगा। फिर यहाँ पे पूछेगा अपलोड 12th मार्कशीट, आपका जो 12th मार्कशीट है वो 300 KB से कम का होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 10th की तरह ही आपको फिर से सारा डिटेल्स फिल कर लेना है 12th वाले में और सबमिट 12th मार्क डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट 12th मार्क डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका है ना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या 10th मार्क डिटेल्स है या 12th मार्क डिटेल्स है वो दोनों आपका सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। अब ये फिल होने के बाद आपको अपना फिर आप चौथे मतलब चौथे स्टेप पे आएंगे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रिफ्रेंस देना है, तो आपको स्टेट आप किस स्टेट में देना चाहते हैं, तो हम बिहार से हैं तो बिहार में ही नज़दीक होगा तो हम सबसे पहले बिहार सेलेक्ट करेंगे। फिर इस बिहार राज्य के आप कौन से सिटी में देना चाहते हैं, तो मेरे घर से मुजफ्फरपुर नज़दीक है तो हम मुजफ्फरपुर देंगे। और फिर पूछेगा एग्जाम सेंटर प्रिफरेंस, आप फिर दूसरा कौन सा स्टेट में देना चाहते हैं, फिर हम बिहार में देना चाहते हैं। फिर इस बिहार राज्य के कौन से सिटी में देना चाहते हैं, तो हम पटना में देना चाहते हैं। फिर अगर बात करें एग्जाम सेंटर प्रिफरेंस 3 में, तो 3 में फिर मैं बिहार देना चाहता हूँ। और फिर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं छापरा देना चाहता हूँ। और देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे 3 सेंटर सेलेक्ट किया हूँ, जिस स्टेट में आपको जिस सिटी में देना है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव पे क्लिक कीजिएगा तो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्लिक ओके या प्रोसीड, मतलब अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर मेरा है जो वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम फिर 5वें नंबर पे चले आए, मतलब हम 5 नंबर पे चार हम इससे पहले चार डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हो इन्फॉर्मेशन अपना सेव कर चुके हैं। उसके बाद पूछेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको डू यू वांट टू हैव NCC, आपके पास NCC है, तो मेरे पास नहीं है। फिर पूछेगा क्या आपको तैरना आता है, तो मुझे तैरना आता है तो मैं यस कर दूंगा। फिर पूछेगा आर यू
स्पॉन्स मतलब कैंडिडेट, मतलब ये आप ऐसा कैंडिडेट हैं तो आप, मैं नहीं हूं तो नो कर देता हूं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके बाद अगर कुछ कुछ नहीं है, इसको अगर मैं यस करता हूं तो यहाँ पे पूछेगा आप सोनशिप टाइप किसका है, वो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, तो ये सब मेरे पास है नहीं तो नो कर दूंगा और फिर सेव करूंगा। अब जैसे ही सेव करेंगे तो फिर पूछेगा क्लिक ओके टू प्रोसीड, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा ये हो गया, यानी कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं। अब हम फिर आएंगे यहाँ पे अगले स्टेप पे, तो अगले स्टेप पे आने के बाद हम देखिए आपके सामने जो MR प्रिफ्रेंस खुल के आएगा, ई प्रिफ्रेंस। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि मुझे तो SSR में अप्लाई करना है तो मैं MR का प्रिफ्रेंस क्यों दूं? तो अगर आप SSR और MR दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो प्रिफ्रेंस वन में आप कौन देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे चीफ दे दूंगा। फिर यहाँ पे प्रिफ्रेंस टू में आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, तो हाइजेनिस्ट दे दीजिए, या कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको जो करना है। अगर ये नहीं करना है तो आप इसको सेव कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, जो भी आपको करना है वो कर दीजिए, लेकिन आपको किस पोस्ट में अप्लाई करना है ये आपको आगे बताना है। अभी ये फॉर्म अप्लाई हमारा नहीं हो रहा है, मतलब हमारा पोस्ट सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही पूछ रहा है, तो हम डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, तो फिर ओके का पूछेगा, फिर हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद अब यहाँ पे हम बात करें तो अब जो है ना फेस हमारा, अब हमारा फेस खुल के आएगा कि अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ₹550 अग्निवीर MR में आ रहा है, ₹649 का पेमेंट है, और अग्निवीर SSR में 550 और 18% GST के साथ आपको 649, यानी कि ₹1298 का आपका पेमेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको MR और SSR दोनों करना है या केवल SSR करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अगर जो करना है दो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऐसे इसको क्लिक करना है क्यू पे, और पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ₹1298 का पेमेंट आ गया। लगभग काफी अच्छा खासा पेमेंट है। आपको UPI से अगर करेंगे तो ₹0 है, उसके अलावा बाकी सब पर चार्ज है। देखिए क्रेडिट कार्ड पे ₹22 है, और डेबिट कार्ड मास्टर वीजा मेट्रो जो भी हो इस पे रुपए पे ₹6.12 है। डेबिट कार्ड रुपए पे है ₹1.18, अगर रुपए कार्ड से करते हैं तो। UPI से 0 है, और नेट बैंकिंग से ₹11.80 है। तो आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो UPI सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, और पेमेंट गेटवे पे चले जाने के बाद आप यहाँ पे अपना बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर सिलेक्ट करने के बाद आप पे कर लीजिएगा। तो इसी तरह आपने भी SSR और MR का फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।